बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने एक दिवसीय यात्रा पर कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने कई निजी एवं सरकारी कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ साथ वह जिले के विकास पर समरणालय में भी आला अधिकारी के साथ बैठक किया। इस दौरान उन्होंने बिहार बजट की बात को लेकर कहा कि बजट में सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं यूपी में हो रहे चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी, यूपी में योगी रिटर्न होने जा रहा है। बजट पे क्या फोकस रहेगा, लेकर क्या फोकस है कटिहार नगर में? देखिए, बिहार के विकास के जितने भी आयाम हैं सभी पर हमारा फोकस है, और बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार को और कैसे हम संसाधन युक्त करके जो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय दो में हम सबों ने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। बिहार का बजट बिहार को सुकून देने वाला होगा। रूप में देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुनाव के बाद पुनः सरकार में आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काफ़ी बेहतर काम किया है, और हम बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश की में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।